आप लोग एक दावा करते हैं कि कुरान में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं सिंस इट वाज ओरिजिनेटेड राइट 55th सेंचुरी या 6th सेंचुरी में, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी डेट है, हम यानी कौन सा ओरिजिनेशन कलर्स टाइम नहीं पीरियड बोलते हैं, रिवील्ड कलर्स बोलते हैं। जी है। ठीक है सर, माफी चाहता हूँ। रिवील्ड व्हेन सिंस इट वाज रिवील्ड, उसमें चेंजेस नहीं हुआ राइट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये दावा करता है कि इस किताब में 100 1000 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये होगा कि आप मुझे मेरे सामने ओरिजिनल कॉपी रख दीजिए और आज की कॉपी रख दीजिए, मैं कंपेयर कर लूंगा और देख लूंगा कि भाई इसमें कंपेयर इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है कुरान की 5th सेंचुरी की? तो मैं दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ। तो एक आप लोग एक दावा करते हैं कि कुरान में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं सिंस इट वॉज ओरिजिनेटेड राइट 55th सेंचुरी या 6th सेंचुरी में, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी डेट है, हम यानी कौन ओरिजिनेशन सा कलर्स टाइम नहीं पीरियड बोलते हैं, है। रिवील्ड कलर्स बोलते हैं। जी हाँ ठीक है सर, माफी चाहता हूँ। रिवील्ड व्हेन सिंस इट वाज रिवील्ड, उसमें चेंजेस नहीं हुआ राइट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये दावा करता है कि इस किताब में 100 1000 साल में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये होगा कि आप मुझे मेरे सामने ओरिजिनल कॉपी रख दीजिए और आज की कॉपी रख दीजिए, मैं कंपेयर कर लूंगा और देख लूंगा कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है कुरान की 5th सेंचुरी की, एग्जिस्ट ठीक, करती है? सही है। इसका जवाब यह है कि एक तो एक 5th सेंचुरी में कुरान मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है वो 630 थर्टी है ना, एडी थर्टी टू सिक्स थर्टी थर्टी टू टू सिक्स सिक्स थर्टी थर्टी टू टू सिक्स थर्टी टू सिक्स थर्टी टू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 13 23 साल की के अरसे में कुरान करीम नाजिल हुआ है, और उसके बाद फिर तकरीबन समझ लीजिए कि 2 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद 33 34 में कुरान करीम को एक जगह जमा कर दिया गया। लिखा तो पहले ही गया था, जमा कर दिया गया। ये मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो आपने उसूल निकाला है कि मैं चेंज जब मानूंगा, जब आप ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी सामने रख देंगे तब मैं मानूंगा कि चेंज नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, ये उसूल आपने कहां से लिया है? इस उसूल पर बात करेंगे। नहीं ये बेसिक है ना, आपने कहा चेंज नहीं हुआ है तो मुझे ओरिजिनल कॉपी देखनी पड़ेगी, ये देखनी नहीं पड़ेगी नहीं ये आपने? बेसिक ठीक उसूल है, नहीं है, मैं मान ये लूंगा। बेसिक, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बेसिक उसूल नहीं है। फिर क्या बेसिक है? उसूल ये उस्वत है कि अगर आपके सामने ओरिजिनल कॉपी हो किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट की, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हो हाँ और उसके बाद प्रिंटेड वर्जन हो, और आप उससे चेंज साबित कर दें, ये कहें कि ये रहा चेंज, अब ये उसूल सही होगा। लेकिन चेंज न होने का यह उसूल नहीं है, यह चेंज होने का उसूल है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी एग्जिस्ट करती है। अब देखें, चेंज न होने का दावा हमारा है, आप उस पर यह दलील नहीं दिखा पूछ सकते कि भाई ओरिजिनल कॉपी और जो मौजूदा कॉपी है वो दोनों कंपेयर करके दिखाओ। नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि चेंज हुआ है तो अब हम आपसे पूछेंगे कि तुम ओरिजिनल कॉपी और आज की कॉपी में दिखाओ कंपेयर करके और बताओ कि किधर चेंज हुआ है। ठीक है, मैं कंपेयर करूंगा, इसमें मुझे आप ओरिजिनल कॉपी दीजिए तो। कमाल है, हमारा ये दावा ही नहीं है भाई, जो दावा आपका है उसके ऊपर पहले एग्जामिन होगा ना। जी बिल्कुल। और दूसरा ये वही है, ये तो भाई को ये आपने वही समझना वही है, मेरी ए, ए, मेरी एक मिनट, सॉरी एक मिनट भाई, आपने एक चीज समझनी है नॉन मोमिन भाई, कि आपने दो तीन सवाल जो स्टार्ट में भी किया है बेसिकली स्ट्रॉ मैनिंग कर रहे हैं, जो मुस्लिम उम्मा का क्लेम अपने सेहत के बारे में, हाँ अपनी वेरिफिकेशन के बारे में, उसूल जिसको कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म, जो कि बेसिक उसूल वो है ही नहीं है, जो पैरामीटर्स ही नहीं है, आप उसके ऊपर परख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान की कंपाइलेशन में हम मेमोराइज करने को बेसिक चीज समझते हैं, हिफज करना, हमारे नजदीक वो चीज है, आप दुनिया के किसी भी हाफिज को बिठा लें। तो अगर हम बुक के ऊपर इस तरह, तो आप दुनिया के बहुत से शास्त्र हैं, बहुत चीजें जैसे वेद है, मनुस्मृति है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, पता चल रहा है, साबित ही कोई नहीं होता, वेद का ओल्डेस्ट जो है ना वो चक्कर, इसीलिए तो आप एग्नोस्टिक हो गए हैं, आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह इस्लाम को पढ़ेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, इंशाल्लाह घर वापसी हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि जो उसूल हम पेश करते हैं या जो हमने इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए वेरिफिकेशन का पेश किया हुआ है, उसके मुताबिक अगर आप जज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन रहेगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक साबित करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने फंडामेंटल्स को सिद्ध करना होगा कि आप जो उसूल पेश कर रहे हैं क्या वही मेयार दुनिया में चलता है जैसे हजरत ने रखा।
ये है मुकम्मल प्रोसीजर। ये तो बेसिक उसूल है ना। अच्छा, अब आपने ये जो सवाल लिया है, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये उठाया है आपने सचवाले से, वही सचवाले को मैं सुनता ही नहीं, मैंने आज तक भी नहीं सुना। मुफ्ती साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नॉन मोमिन भाई, आपके नजदीक किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का मतलब मतन, टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं? प्रिजर्व करने के तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, टेक्स्ट का मतलब मैं जो वर्ड यूज किया हूँ, टेक्स्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? टेक्स्ट मतलब, इसका मतलब वो चीज नहीं होती जो जो लिखी हुई हो। टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी, हाँ, मतन। तो कोई भी जो टेक्स्ट है उसको प्रिजर्व करने के कितने तरीके हैं, पता है आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता कितने तरीके हैं, आप बताइए। देखिए, आपको पता नहीं और सिर्फ एक तरीका लेकर आ गए आप। तरीके से तरीका यहाँ पे क्या मैटर करता है? आपने कहा कि अरे भाई इट डज, ये मैटर करता है। जब आपने सुनिए, सुन लीजिए, आप अगर तरीके नहीं जानते, मान लीजिए 10 तरीके, 10 नहीं जानते, एक तरीका आपको पता है और आप उसको लेकर आगे के इस तरीके से साबित करो, वो 9 तरीकों से भी तो साबित हो सकता है ना, अगर 10 तरीके हैं उसके। आप बताइए, आपका कौन सा तरीका है, आपका कौन सा पैरामीटर है कि आप बोल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ है, आपका कौन सा पैरामीटर है? जी आसिम भाई, तो अभी आमिर भाई ने कहा, नॉन मोमिन भाई, कि एक तरीका तो यह है कि आप लिख के किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दैट वाज नॉट द गुड मेथड टू राइट डाउन समथिंग टू प्रिजर्व, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता। तो एंशिएंट टाइम्स के लिए और मेडिवल टाइम्स के भी एक बड़े पीरियड के लिए सबसे बेहतर तरीका चीजों को प्रिजर्व करने का ये था कि उसको मासेस जो है ना याद करें, उसको एक दो इंडिविजुअल नहीं, मासेस जो है उसको याद करे, वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज को प्रिजर्व करने का। असीम भाई, इनकी जुबान में श्रुति, जैसे श्रुति है ना, श्रुति वेदास को आप श्रुति मानते हैं, तो श्रुति किसे कहते हैं? आमिर भाई, मसला ये है कि मैं ये वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि वेदा में जो है वो सिर्फ सिंगल पर्सन या मासेस के अंदर जो है वो यानी कि मेमोराइजेशन नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। जबरदस्त जबरदस्त, मैंने इनको नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से, ये टेक्निकल बहस के अंदर जो आसिम भाई ने रखा है, मैंने सिर्फ ये याद रखे हैं क्योंकि ये वर्ड आसिम भाई ने जो पकड़ा है वो बड़ा जबरदस्त पकड़ा है। मैं सिर्फ इनको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे श्रुतीज के बारे में ये क्लेम किया जाता है, मगर आसिम भाई ने जो बात की है कि मैसेज को प्रिजर्व करने के लिए ऑब्वियसली मैसेज चाहिए होते हैं। जी अपना नॉन मोमेंट भाई, ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ, ये क्लियर हो गया जी।